नमस्कार, मैं प्रिया। आज 6 अक्टूबर, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में मुखिया जी संभल कर मनाए जीत का जश्न। 20 तारीख तक पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मिल जाएगा अनुदान। शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग में देरी से अभ्यर्थी दिखे नाराज। बिहार सरकार बीमार बुजुर्गों को पहुंचाएगी घर से अस्पताल। विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन में टूट, कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार। इंटर में खाली 5 लाख सीटों पर हो रहा है ऑन स्पॉट एडमिशन। बिहार के +2 स्कूल और कॉलेज में इन दिनों एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आप भी अपना एडमिशन करवाने की सोच रहे हैं या आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी एडमिशन के बारे में सोचा जा रहा है, तो आपके लिए ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब बिहार के +2 स्कूलों और कॉलेज में इंटर में एडमिशन की 5,56,880 सीटें खाली है। सबसे खास बात यह है कि खाली पड़ी इन सीटों पर स्पॉट एडमिशन का मौका छात्रों को दिया गया है, जिसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब तक आवेदन नहीं करने वाले छात्र ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी कि OFSS पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्टूडेंट्स के पास केवल 6 अक्टूबर यानी कि आज तक का ही मौका है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे संजय मिश्रा की। संजय मिश्रा का जन्म आज ही के दिन साल 1963 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। संजय मिश्रा एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व छात्र उन्होंने 1995 की फिल्म ओ दार्लिंग में अपने अभिनय की शुरुआत की। ये है इंडिया बाद की फिल्मों में राजकुमार और सत्या शामिल है। वो 1999 क्रिकेट विश्व कप के दौरान ESPN स्टार स्पोर्ट्स द्वारा इस्तेमाल किए गए आइकॉन एप्पल सिंह के रूप में भी दिखाई दिए। 2015 में उन्हें आंखें देखी में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला था। बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में जलवा बिखेर रही बिहार की बेटी। सिक्किम में बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की बेटी रोशनी जलवा बिखेर रही है। रोशनी के कोच अमिताभ कुमार ने बताया कि एकेडमी के सबसे होनहार और ओजस्वी खिलाड़ी रोशनी है, जो क्रिकेट के साथ बाल बैडमिंटन खेल में अपनी प्रतिभा से शहर, जिला और राज्य का नाम रोशन कर रही है। वहीं बिहार टीम से खेल रही रोशनी बेहतर प्रदर्शन से जहां उनके घर परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं JSA एकेडमी के खिलाड़ियों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। रोशनी के पिता बिरजू साह बताते हैं कि रोशनी का खेल के प्रति बचपन से ही लगाव रहा है। वो जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कई बार मैच भी जीत चुकी है। बिहार सेना के सदस्य RB सिन्हा ने दिया इस्तीफा। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से अहम जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत रेरा के सदस्य RB सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा भेजने के बाद RB सिन्हा ने सभी व्हाट्सएप ग्रुप से भी अपने आप को रिमूव कर लिया। जानकारों की माने तो रेरा के सदस्य RB सिन्हा ने अपना इस्तीफा पत्र उचित फोरम पर भेज दिया है, साथ ही दफ्तर आना भी बंद कर दिया है, लिहाजा उनके बेंच में होने वाली सुनवाई स्थगित की गई है। स्नातक के पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए बिहार में मांगी जाएगी मंजूरी। बिहार में लगभग 1.5 दशक के बाद विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है, जिसके तहत ही अब बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 साल बाद स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव किए जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस आशय की सिफारिश बिहार उच्चतम शिक्षा परिषद की तरफ से गठित विशेष समिति ने की है। विशेष समिति का इस बाबत कहना है कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। जानकारों की माने तो ये सुझाव विशेष रूप से स्नातक कक्षाओं के लिए दिया गया है। आपको बता दें, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक विषयों में 2003-04 में अभी तक पाठ्यक्रम में अपवाद छोड़ किसी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं। हालांकि अब पाठ्यक्रम में बदलाव के संदर्भ में राजभवन बेहद ही गंभीर है। पटना हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश जारी किया है, जिसमें सूबे के सभी 27 लॉ कॉलेज की निरीक्षण रिपोर्ट 3 सप्ताह में सौंपने की बात कही गई है। इसके साथ ही बीते दिन चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने कोर्ट ने काउंसिलिंग को जिन कॉलेजों को पढ़ाई जारी करने की अनुमति दी है, वहां व्यवस्था संबंध और सुविधाओं के संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा है। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन कॉलेजों का वर्चुअल या फिजिकल निरीक्षण करने का निर्देश जारी कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये देखेगी कि विधि शिक्षा 2008 के नियमों का पालन इन शिक्षण संस्थानों में किया जा रहा है या नहीं। हालांकि ये भी साफ किया गया है कि इन लॉ कॉलेज को दोबारा से शुरू करने की अस्थायी अनुमति देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी तरह के नियमों में ढील नहीं देगी।
बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के मौसम में इन दिनों हर रोज बदलाव हो रहे हैं। मानसूनी प्रभावों के कारण बारिश और तेज हवा बहने के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली है, तो वहीं धूप निकलने के बाद दिन के समय गर्माहट महसूस हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य के अलग अलग हिस्से में बने निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र के पास चक्रवाती परिसंचरण के क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्व और मध्य बिहार में एक या दो जगह पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। वहीं कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। पंचायत चुनाव में मुखिया जी संभल कर मनाए जीत का जश्न। बिहार में पंचायत चुनाव का आयोजन हो रहा है। दो चरणों के मतदान और मतगणना के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत चुनाव में सरेआम जीत का जश्न मनाना मुखिया जी को महंगा पड़ सकता है। चुनाव बाद की हिंसा से निपटने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। सभी जिलों के SSP और SP को ऐसी किसी भी घटना पर न सिर्फ त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, बल्कि सख्त एक्शन भी लेने का आदेश दिया गया है। इसके साथ पुलिस मुख्यालय ने वैसे इलाके और प्रत्याशियों को चिन्हित करने का आदेश दिया है जहां चुनाव परिणाम को लेकर हिंसा हो सकती है। जिला पुलिस को पहले से ही इसका आकलन कर निरोधात्मक कार्रवाई को कहा गया है। वैसे प्रत्याशी या उनके समर्थक जिनसे चुनाव परिणाम के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है, उनसे बॉन्ड भी भरवाया जाएगा। जजों द्वारा आवास खाली नहीं करने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के जजों के सेवानिवृत्त होने के कई महीनों के बाद भी अपने सरकारी आवास खाली नहीं करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ही इस मुद्दे को लेकर बीते दिन सुनवाई की गई। इसको लेकर अधिवक्ता दिनेश कुमार की जनहित याचिका चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने राज्य सरकार से निर्देश लेने के लिए 15 नवंबर 2021 तक की मोहलत ले ली है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सेवानिवृत्त जज जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस अंजना मिश्रा, जस्टिस PC जायसवाल और जस्टिस AK त्रिवेदी कई महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इस तारीख तक पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मिल जाएगा अपना लोगो। पटना वासियों को मेट्रो की सेवा देने की योजना के साथ लगातार काम जारी है, जिसके तहत मेट्रो निर्माण को तेजी से पूरा करने का काम किया जा रहा है। इन सब के बीच और पटना मेट्रो को लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आई है, जिसके तहत दिवाली से पहले पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का अपना लोगो मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। मेरी जानकारी के अनुसार मेट्रो लोगो के लिए बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई समेत देश भर से करीब 7500 डिजाइन आए थे, जिनकी स्क्रीनिंग का काम अभी किया जा रहा है। इसमें करीब 2000 डिजाइन सिर्फ पटना के लोगों द्वारा भेजा गया है, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि दिवाली या नवंबर तक पटना मेट्रो का लोगो फाइनल हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि 50,000 रूपए प्रथम विजेता को दिए जाएंगे, वहीं 25,000 रूपए दूसरे विजेता को और 11,000 रूपए तीसरे विजेता को दिया जाएगा। डॉल्फिन की ऑस्ट्रेलिया और चिड़ियों के कलरव को अब नजदीक से देखेंगे लोग। बांगा के ओढ़नी डैम को पर्यटन स्थल बनाए जाने के बाद अब भागलपुर में इको टूरिज्म के क्षेत्र में विकसित करने के लिए कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत ही डॉल्फिनों की अटखेलिया और चिड़ियों के कलरव को नजदीक से देखने की योजना को डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में जमीन पर उतारने की एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है, जिसके तहत अब नवगछिया के जगतपुर झील और गोपालपुर प्रखंड के गंगा प्रसाद झील को विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही जगतपुर झील के पास इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए PP मोड में इको विलेज विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जानकारी दी है। दशहरा में इस बार नहीं होगा डांडिया नाइट्स का आयोजन। 7 अक्टूबर से दशहरा की शुरुआत होने वाली है, हालांकि इस बार भी इस पूजा पर कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है। वो अलग बात है कि बिहार में संक्रमितों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी पर्व त्योहार में अधिक सावधानी बरतते हुए इस बार भी मेले और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही इस बार डांडिया नाइट्स पर एक बार फिर से रोक लगाई गई है, जिसके तहत दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पूजा समितियों को DJ बजाने पर रोक लगाई गई है। रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग में देरी से अभ्यर्थी दिखे नाराज। इन दिनों बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि इन सब के बीच तीसरे चरण की काउंसलिंग में देरी होने की जानकारी सामने आई है, जिससे अभ्यर्थी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार 38,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद अगले राउंड की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग से अब तक काउंसलिंग की परमिशन ही नहीं मिली है। शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो सेकेंड राउंड की बची हुई काउंसलिंग कब होगी किसी को पता नहीं है। हम अभ्यर्थियों ने अपर मुख्य सचिव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को लेटर भेज दिया गया था, हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
मिशन 3 मिनट के मोड में आया परिवहन निगम। सार्वजनिक परिवहन की तरफ से आकर्षित करने की कोशिश में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लगा हुआ है। इसके लिए बसों की आवृत्ति बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये प्रक्रिया चरणवार होने वाली है, जिसके तहत पहले चरण में बेली रोड पर हर 3 मिनट पर बस उपलब्ध करवाने की योजना पर काम किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेली रोड पर पहले हर 10 मिनट पर नगर सेवा की बस उपलब्ध होती थी, इसे घटाकर 5 मिनट पर लाया गया है। वहीं इस बाबत निगम प्रशासक श्याम किशोर ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि निगम की बसें सर्व सुलभ हो और आम नागरिकों को इंतजार नहीं करना पड़े, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। कोशिश है कि लोग सार्वजनिक परिवहन को निजी वाहन पर तरजीह दें। कराटे चैंपियनशिप में बिहार ने लहराया परचम। बिहार प्रतिभाओं का धनी राज्य है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर मिल जाएगा, क्योंकि बिहार ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। इसी कड़ी में अब बिहार के होनहारों ने एक और कारनामा करते हुए नेशनल कराटे चैंपियनशिप में परचम लहराया है। कोलकाता में हुए 2 दिवसीय नेशनल कराटे चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने बिहार का नाम रोशन किया। चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने 11 गोल्ड और 5 सिल्वर पर कब्जा किया है। वहीं 11 गोल्ड जीतने पर बिहार की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। टीम के प्रशिक्षक अमित कुमार ने बताया कि टीम ने बेहतर खेला है, 8 राज्यों के छक्के छुड़ा दिए हैं। गोल्ड और सिल्वर बिहार की टीम जीतने में कामयाब रही, जिसके बाद विजेता टीम के पटना पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बाढ़ प्रभावित और जलजमाव वाले क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। बिहार में बारिश का कहर भले ही थम गया हो, लेकिन अभी भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। यही कारण है कि सीएम नीतीश बार बार इन प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश बीते दिन एक बार फिर से बाढ़ प्रभावित और जलजमाव वाले क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने निकले, जहां उन्होंने वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटे, जहां उन्होंने अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग भी बुलवाई, जहां पर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बिहार सरकार बीमार बुजुर्गों को पहुंचाएगी घर से अस्पताल। बिहार सरकार बीमार बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था करने जा रही है, जिसके तहत बिहार में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जिसके तहत अब अगर घर में कोई बुजुर्ग अकेले और बीमार है तो ऐसे बुजुर्गों को राज्य सरकार की तरफ से अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस दौरान बुजुर्गों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा खर्च राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही सभी अस्पतालों में बुजुर्ग के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग से भी राय ली जाएगी और इसकी स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से अभी स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था है। बिहार में यूरिया की हो रही समस्या पर कृषि मंत्री ने दिया बयान। बिहार के विभिन्न जिलों से लगातार यूरिया की कमी की खबरें सामने आ रही है। इस बाबत अब कृषि मंत्री ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस बार अच्छी बारिश होने की वजह से सभी किसानों ने फसल लगाई है, जिसकी वजह से यूरिया की किल्लत हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि अभी पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी यूरिया की किल्लत है, लेकिन कमी के कारण किसानों के उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया गया है। हम लोगों ने यूरिया आपूर्ति को सामान्य बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। मेरे द्वारा प्रयास किया गया है कि समय समय पर खाद की आपूर्ति होते रहे, जिससे किसानों को कठिनाई ना हो। बिहार के सीमांचल में होगी चाय की खेती। बिहार के सीमांचल में जल्द ही चाय की खेती की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर अररिया जिले में 10,000 हेक्टेयर भूभाग को चिन्हित करने का काम किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय टी बोर्ड ने चाय के उत्पादन को लेकर सीमांचल की मिट्टी और जलवायु को उपयुक्त माना है। जल्द ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा। वर्तमान समय की बात करें तो किशनगंज में लगभग 30,000 हेक्टेयर से अधिक भूभाग पर इसकी खेती के साथ साथ इसके प्रसंस्करण और विपणन का काम चल रहा है। वहीं चाय की खेती काफी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। किशनगंज की बदौलत बिहार चाय उत्पादक राज्यों में शुमार हो रहा है। विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन में टूट, कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीते दिन बड़ा बदलाव देखा गया, जिसके तहत कांग्रेस ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मुंगेर के तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम तो पेड़ के नीचे टिकट बांटते थे, लेकिन आपका आला कमान दिल्ली में सोचता था। हम टिकट नहीं बांटते तो गरीब, वंचित, दलित, मल्लाह, बिंद, मुसहर, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की टिकट भी नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि लिस्ट उठाकर देख लीजिए, राजद से कितने सांसद, कितने विधायक, कितने राज्यसभा सांसद और एमएलसी बनाए गए हैं, गिनती खत्म नहीं होगी।
राजद के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े लालू प्रसाद यादव। बीते दिन से राजद के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत पहले से निर्धारित लालू की पाठशाला का भी आयोजन हुआ। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लाइव जुड़े और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और नेताओं को सियासत का पाठ भी पढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जदयू और नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। वहीं राजद सुप्रीमो ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि हम इसके लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक ये नहीं हो जाती है तब तक राजद पीछे नहीं हटने वाली है। जातीय जनगणना से पिछड़ों का विकास होगा, गणना नहीं होने से बजट का आवंटन नहीं हो पाता है। सीएम नीतीश ने लालू यादव के जेल में भी काम करते रहने की कही बात। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इन सबके बीच ऐसी खबरें भी मीडिया में लगातार आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव के प्रचार के लिए लालू यादव मैदान में उतरने वाले हैं। इसको लेकर जब सीएम नीतीश से सवाल पूछा गया कि बिहार उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव प्रचार करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा कि रोकता कौन है, वो तो पहले भी करते रहते थे। भाषण देंगे कि क्या करेंगे वही बताएंगे, वो तो जेल से भी ये सब करते रहते थे। इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव को लेकर जदयू की तैयारी होने की बात भी कही है। पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजद और भाजपा पर साधा निशाना। जेल से रिहा हुए पप्पू यादव ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस दौरान उन्होंने भाजपा और राजद पर जमकर हमला बोला, जिसके तहत उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि अब पिछले एक साल से क्यों ईडी की छापेमारी नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जब भी आपदा आई है विपक्ष खेमा हमेशा ही गायब रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि बिहार में कई ऐसे मंत्री हैं जो उनके खुद के अस्पताल हैं और उन्होंने कोरोना काल में खूब मोटी कमाई की है, लेकिन मैंने गरीबों के बीच रहकर उनकी मदद की तो मुझे जेल में डाल दिया गया। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय दंड संहिता कानून 1862 में पारित हुआ और 1 जनवरी से लागू हुआ। पंजाब में 1983 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया। वैश्विक मंदी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात CRR में 0.5% की कटौती का फैसला 2008 में किया। गणित और भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साह का जन्म 1893 में आज के दिन हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत कृपाल महाराज का जन्म 1922 में आज के दिन हुआ था, जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर रॉय का निधन 1661 में आज के दिन हुआ था। क्रांतिकारी नाना साहेब पेशवा का निधन 1858 में आज के दिन हुआ था। राहुल की कप्तानी पर जडेजा ने दिया बड़ा बयान। पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल इस बार भी अपनी टीम को आईपीएल के प्लेऑफ तक पहुंचाने में नाकाम रहे, जिसके बाद केएल राहुल की जमकर आलोचना की जा रही है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने भी अपना बयान साफ किया और अपना हाथ साफ किया है। अजय जडेजा क्रिकबस के साथ बातचीत के दौरान कहते हैं कि अगर आप राहुल को देखें तो वो पिछले 2 साल से टीम के कप्तान है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो एक लीडर है। टीम कभी भी अच्छे या बुरे फेज से गुजरी हो, हमने उनकी तरफ नहीं देखा। पंजाब की टीम जो आज खेल रही है और जो बदलाव उसमें हुए हैं, आपको क्या लगता है कि ये राहुल ने किया है? यही नहीं, अजय जडेजा आगे कहते हैं कि कोई भी भारतीय कप्तान अपनी फिलॉसफी के आधार पर बनता है, क्योंकि उसे लीडर होना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, रविन्द्र पासवान, मनीष मोहरा, आशुतोष कुमार, सरोजनी कुमारी, सुनील कुमार महतो, नवीन कुमार, भारत प्रसाद, रविकांत कुमार, श्रीकांत सैनी, अमित कुमार, अनीश यादव, रीना कुमारी, अनिल कुमार, नीरज कुमार, विभा कुमारी, संतोष ठाकुर। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन में आई दरार से एनडीए को फायदा मिलेगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।